पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की एक और बेहतरीन मिसाल सामने आ गई। पाकिस्तान और तुर्क नेवी ने मिलकर मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज शुरू कर दी। पाकिस्तान और तुर्की की नेवी की एक्सरसाइजेज किस लिए की जा रही हैं और ये कहां पर की जा रही हैं, अहम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान नेवी इस वक्त तुर्की में मौजूद है और इसकी वजह है 8वीं मल्टीनेशनल स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइजेज, जिन्हें नुसरत 2021 का नाम दिया गया है, जो कि तुर्की के इलाके कनाकेल में की जा रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान नेवी के एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल टीम तुर्की पहुंच चुकी है। पाकिस्तान नेवी ने तुर्की की 8वीं मल्टीनेशनल स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज नुसरत 2021 में शिरकत के लिए कनाकेल का रुख किया। पाकिस्तान नेवी एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल ईओडी टीम ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, जबकि इसके अलावा दूसरे ममालिक भी इस एक्सरसाइज में शरीक है, जिनमें आजरबाईजान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बल्गारिया, जर्मनी, इराक, लीबिया, ओमान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया, तंजानिया ने भी इन मशकों में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान के अलावा नेटो ममालिक के कुछ अहदेदार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसे MCM ग्रुप का नाम दिया जा रहा है, जबकि नेटो सेंटर फॉर मैरिटाइम रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन ने भी इन मशकों में हिस्सा लिया है। इन मशकों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि तमाम नेवी एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल महारत का तबादला कर सके और स्पेशल ऑपरेशन के मुतालिक एक दूसरे से सीख सके। इन मशकों का मकसद मिलिट्री ताल्लुकात को मजबूत करना है और एक दूसरे के तजुर्बात से सीख कर स्पेशल ऑपरेशन को मजीद मजबूत करना है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का दरअसल मकसद ऑपरेशन की सलाहियतों को बढ़ाना है। पानी के अंदर एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल ऑपरेशन, जिन्हें पानी के अंदर धमाका खेज मवाद को नकारा बनाने का ऑपरेशन कहा जाता है, इन्हें बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया जा सके और एक दूसरे की महारत से सीखते हुए किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। दूसरी जानब माइंस काउंटर मैयर मैरिटाइम डोमेन के मुतालिक भी इन एक्सरसाइज में एक दूसरे ममालिक के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसका मकसद ये है कि समंदर के रास्ते होने वाली स्मगलिंग को रोका जा सके। इन एक्सरसाइज में अपने प्रोफेशनल तजर्बे के दौरान तमाम ममालिक की नेवीज एक दूसरे के साथ साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करती हैं, ताकि एक दूसरे के तजर्बे से सीखा भी जा सके। पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है, जहां पर पाकिस्तानी नेवी इस वक्त तुर्की में मौजूद है और पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, जहां पर पाकिस्तान के नेवी नेटो की एजेंसीज और दीगर ममालिक के साथ काम करते हुए अपनी प्रोफेशनल सलाहियत को मजीद बढ़ा सकते हैं।